और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, सरकार इसी हफ्ते संसद में दलितों को अत्याचार से बचाने के लिए SC ST एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन बिल लेकर आएगी। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दी है। 9 अगस्त को दलितों के आंदोलन से पहले सरकार पर ये बिल लाने का दबाव है। NDA में LJP, JDU ने सरकार को बिल में संशोधन करने के लिए कहा है। और या फिर संसद सत्र को 2 दिन पहले खत्म करके अध्यादेश लाने का प्रेशर बनाया गया। अब इसका मतलब आपको समझना चाहिए, क्योंकि अप्रैल में SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मायावती ने सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सोची समझी सियासत के तहत सरकार की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान ने बयान दिया। मायावती को बिल में संशोधन का क्रेडिट ना मिले, इसलिए सरकार ने रामविलास को आगे कर लिया। ऐसा करके सरकार खुद को दलितों का सबसे बड़ा संरक्षक दिखा रही है, ताकि 2019 में NDA को दलित वोटों की कमी ना होने पाए। आम तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार को दलित विरोधी सरकार बताया जाता, तो आज के बाद क्या परसेप्शन बनेगा? देखिए, ये लोग जो कहते थे दलित नरेंद्र मोदी की सरकार दलित विरोधी सरकार है, उनके मुंह पर तमाचा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहते हैं, बिना कोमा फुल स्टॉप चेंज किए हुए बिल को यथावत क्या कहते हैं कि जो है कैबिनेट में रख करके और उसको पास कराने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ेगी तो और भी हम इसको क्या कहते हैं मजबूत करने काम करेंगे। इसके बावजूद भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है। दलित विरोधी कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं जिन्होंने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने काम किया है और जिन्होंने आज तक दलित के लिए क्या कहते हैं कुछ नहीं किया। क्या ये बिल इसी सत्र में आएगा और क्या आप अपोजिशन पार्टी से अपील करेंगे सब एक साथ? इसी सत्र में नहीं, बहुत जल्दी क्या कहते हैं किस बिल को जितना जल्द होगा वो लाएंगे और उसके बाद क्या कहते हैं कि पास हो जाएगा। पास हो जाएगा ये कहना है रामविलास पासवान का, एक बड़ा कदम है और विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। दलित पार्टी, जी मीडिया, दिल्ली।